आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का आगाज 30 मई से हो रहा है, जिसका इफ्तिताही मैच मेजबान इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा और फाइनल मैच 14 जुलाई को लॉर्ड्स के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इससे कबल मुख्तलिफ किस्म की पेशगोइयों का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तान के मायानाज साबिक ऑलराउंडर शाहिद खान फरीदी ने अपनी ऑल टाइम वर्ल्ड कप 11 का ऐलान कर दिया है और इसमें सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी को शामिल करके भारतीयों को आग बगोला ही कर दिया है। शाहिद फरीदी ने अपनी टीम में ओपनर के तौर पर पाकिस्तान के सईद अनवर और ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट को शामिल किया है, जबकि मरूफ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी रिक्की पोंटिंग तीसरे नंबर पर हैं और टीम की क्यादत भी उन्हें ही सौंपी गई है। मौजूदा भारतीय कप्तान विराट कोहली शाहिद फरीदी की टीम में शामिल होने वाले वाहिद भारतीय खिलाड़ी हैं, जिन्हें चौथे नंबर पर रखा गया है, जबकि उनके बाद साबिक पाकिस्तानी कप्तान इंजमामुल हक और फिर जनूबी अफ्रीका के मायानाज ऑलराउंडर जैक एलिस का नाम आता है। शाहिद खान फरीदी की टीम का फास्ट बॉलिंग अटैक भी खतरनाक है, जिसमें स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम, ग्लीन मैगरा और रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर शामिल हैं, जबकि स्पिनर्स की जगह लेजेंडरी लेग स्पिनर शेन वार्न और दूसरा के मौजूद क्लैन मुश्ताक को दी गई है। दोस्तों, आप भी शाहिद खान फरीदी के बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अ लाइक वुड बी अप्रिशिएटेड। And don't forget to subscribe.